it's a suspense thriller movie. Movie is about finding a girl, और वो girl को जिसने kidnap किया है, the person is Frederick. So who is this Frederick? Nobody has seen him, nobody knows him, nobody knows whether he exists or not. So he's more of a fictional character जो है कि नहीं, उसके search में पूरी बहुत लोग लगे हुए हैं. So जब लड़की kidnap होती है, which is supposed to be a Frederick's organization, एक Frederick का nexus होता है बहुत बड़ा जो human trafficking करता है. इट्स सपोज कि वो फ्रेडरिक है जिसने उसको किडनैप किया है, तो जो हीरो है विक्रम, जो उनके कैरेक्टर का नाम है विक्रम, वो अपनी बहन को ढूंढने जाते हैं. और मैं हूँ उनकी वाइफ, मैं आईबी एजेंट की पढ़ाई कर चुकी होती हूँ, सो आई यूज़ माय एक्सपीरियंस, आई डोंट टेक इट एज अ करियर क्योंकि आई एम वेरी फैमिली माइंडेड और मैं अपना फैमिली बचाना चाहती हूँ. बट देन आई यूज़ माई एक्सपीरियंस, आई यूज़ माई स्टडीज़ टू फाइंड माई सिस्टर इन लॉ, माई हस्बैंड सिस्टर. और हम लोग जाते हैं मसूरी, हम जो और भी लड़कियां हैं जो किडनैप होती हैं उनको छुटवाते हैं, और वी आर इन अ कॉन्स्टेंट सर्च ऑफ माई हस्बैंड सिस्टर एंड फ्रेडरिक. अल्टीमेटली हु इज़ फ्रेडरिक, वी वॉन्ट टू नो दैट. सो या, दिस इज़ द मूवी अबाउट. या ऑब्वियसली आई हैड टू डू रिसर्च, आई यूज़ टू वॉच मूवीज़, बट देन आई यूज़ टू वॉच क्लिप्स, और मैं यूट्यूब बहुत करती थी. ऑनेस्टली ये रोल को अचीव करने के लिए, जो एक्टिंग मैंने की है उसको अचीव करने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा खासा वर्कशॉप दिया जाता था. अच्छा, मूवी स्टार्ट होने के पहले मेरे लिए एक डेढ़ महीना देर वॉज़ अ इंटेंस वर्कशॉप, एंड ड्यूरिंग द मूवी ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मुझे कोचिंग दी जाती थी. आई वॉज ट्रेंड वेल फॉर द कैरेक्टर. सो हाँ, आई डिड माई बिट इन दैट, एंड डायरेक्टर मेड श्योर कि जो उन्हें चाहिए था वो डेफिनेटली, चाहे कितना भी दिन लग जाए, चाहे कितने घंटे शूट करना पड़ जाए, ही मेड श्योर दैट इट केम आउट ऑफ मी. हाउ डज इट रिवॉल्व और हाउ डिड इट लैंडेड ओवर मी, मुझे कैसे मिली ये मूवी? मूवी एक्चुअली इट्स अ वेरी फनी स्टोरी. मुझसे पहले दो हीरोइन थी, तो जो फर्स्ट हीरोइन थी उनके साथ थोड़े से उनके लुक्स को लेके इशूज़ हो गए थे. शी वॉज थिन एंड देन शी गेंड वेट एंड देन वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था लुक वाइज, तो वी कुडंट गो फॉरवर्ड विद दैट. एंड सेकेंड जो थी, उनका दोनों किडनी फेल हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक डेढ़ साल तक वो शूट कर सके, और मूवी तो रुक नहीं सकती थी. सो जो प्रोड्यूसर जी हैं मनीष अंकल, ही अप्रोच्ड मी, ही सेड, एंड आई वॉज आस्क्ड बिफोर ऑल्सो कि डू यू वॉन्ट टू डू द मूवी, बिकॉज ही सेड कि जैसी मेरी पर्सनैलिटी है वो कैरेक्टर पर बहुत सूट कर रहा है, द वे आई लुक, द वे आई कैरी माई सेल्फ, वो कैरेक्टर पर बहुत सूट कर रहा है. सो ही इज़ लाइक, आप मतलब ये मूवी कर लो, और ही एक्सप्लेन मी वॉट द कैरेक्टर इज एंड हाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मूवी इज एंड हाउ आई विल डू जस्टिस टू इट. ही मेड श्योर कि मुझे ऑब्वियसली ट्रेनिंग मिले. तो जैसे ही मेरे पास ये रोल आया, मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली घबरा गई थी, बिकॉज आई हैड नेवर थॉट कि मैं मूवीज़ करूँगी. तो मैं घबरा गई थी, बट देन आई टुक अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई वॉज आस्क्ड थर्ड टाइम, एंड आई वॉज लाइक कि शायद ये रोल मेरे लिए ही बना, इट इज़ मेंट फॉर मी, एंड आई थिंक आई शुडंट लीव दी अपॉर्चुनिटी. लोग एक बार छोड़ते, दो बार छोड़ते, तीसरी बार किसी के पास आता नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड द रोल. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा लॉन्च है. ऑनेस्टली आई हैव नॉट शेयर द स्क्रीन विथ हिम, आई हैव मेरा उनके साथ स्क्रीन शेयरिंग है नहीं, बट देन आई एम वेरी श्योर पीपल हु हैव वर्कड विथ हिम, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. जब मैं सेट्स पर जाती थी उनके शूट के टाइम, तो आई यूज़ टू लुक एट हिम, द वे ही यूज़ टू एक्ट, उनकी जो टेक्निक्स है, और जैसे वो सेट पर, ही इज़ वेरी कूल, ही इज़ वेरी काम कम्पोज, वो बहुत गाना गाते हैं, बहुत शांति से रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं सेट में. तो और हाँ, जब मैं बैठी हुई थी, आई आस्क्ड हिम कि मैं कैसे अपने आप को सुधार सकती हूँ, सो ही गिव मी गुड टिप्स. सो आई एम श्योर उनके साथ काम करना अमेजिंग है और होगा ही. फ्रेडरिक में मैं कुछ 10-12 दिन शूटिंग किया मैंने, और चूँकि मुझे हमेशा नए लोगों के साथ काम करके अच्छा लगता है, तो इसमें भी वैसे ही मुझे अच्छा ही लगा. और चूँकि क्या होता है कि जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं, तो वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं सेट पे, नई नई नए नए थॉट्स होते हैं, और आपको हमेशा एक 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 अडाप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे एक मंझा हुआ डायरेक्टर किस तरह से किस चीज़ को समझाता है, और एक नया आदमी जिसने आज तक उस चीज़ के बारे में सिर्फ सपना देखा है, वो फाइनली वो उसकी आँखों के सामने होते हुए देखता है,
तो वो दो अलग चीज़ें होती हैं। और चूंकि ये मेरी पहली फिल्म नहीं है तो मुझे उन चीज़ों में एडजस्ट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फाइनली दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एक्ट, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द थिंग दैट इज़ फाइनली शोन टू द पब्लिक, यू नो। तो एक नए आदमी के साथ काम करके मुझे तो हमेशा अच्छा ही लगा है, यू नो। और बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं मैंने जो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के साथ काम किया है। ये भी राजेश के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स हैं इसमें, अविनाश का, तुलना का, मेरा। तो ये बोलना गलत होगा कि इस रोल में फ्रेडरिक का किरदार मेरा है, यू नो, तो क्योंकि वो कुछ और ही है कॉन्सेप्ट ये फिल्म का। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फाइनली इस फिल्म का मोटिवेशन गुड बैड अगली वाला सिंपल केस नहीं है, इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। और कॉम्प्लिकेशंस में ही आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा इसमें, you know? और बहुत ही एज ऑफ द सीट काइंड ऑफ थ्रिलर है। और जिस किस्म से हमारे टेक्नीशियंस ने काम किया है, हमारे डीओपी ने, एडिटर ने, म्यूज़िक डायरेक्टर्स सब ने मिलके जो एक एक ऐसा पैकेज बना के रखा हुआ है कि यू नो मुझे लगता है कि फ्रेडरिक किसी एक आदमी का नाम नहीं है, किसी एक एक्टर का काम नहीं है, यू नो। आई थिंक एवरीबॉडी इज़ लाइक रियली टोटली गॉट इनटू मेकिंग समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग जो बहुत आपको सोचने पे मजबूर करेगा फिल्म ख़त्म होने के बाद भी, बताऊँ? क्योंकि हम लोग एक दो सीन शूट करते हैं फिल्म्स के लिए, ऐसे ही होता है। तो आप दिल से आप एक चीज़ के लिए काम करते हैं जो आप चाहते हैं कि 10 साल के बाद भी कोई देखे तो उसको अच्छा लगना चाहिए, यू नो। देर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु फाइनली गेट टू सी योर मूवी एंड यू आर ट्राइंग टू मेक एवरीबडी एनीबडी यू नो रियली हैप्पी अबाउट योर वर्क, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ द पीपल इफ़ यू नॉट लाइक रियली डूइंग इट विद योर ओन हार्ट एंड सोल इन टू इट, यू नो। अगर आप दिल से आप काम करते हैं तो कोई भिखारी से लेके राजा तक जो है आपका काम पसंद करेगा। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि कोई भी लेवल का आदमी, कोई भी स्तर का जो वो है, वो मेरा काम देख के उसको अच्छा लगे और उसको लगना चाहिए कि यार इसका बहुत अच्छा काम था यार। तो मेरा कंपटीशन हमेशा मुझसे ही रहता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो रेपिटेटिव लगे, जो लोगों को लगे यार ये तो ये पहले भी इसने इस पिक्चर में किया था, ऐसे ही लग रहा है इसमें भी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं रिपीट ना करूँ अपने आप को। तो क्योंकि एक फ़िल्म के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, सिर्फ मेरा नहीं। तो अगर सक्सेस होती है फिल्म की तो खुशी होती है, जब फेलियर होता है तो दुख होता है, यू नो। कि बट ऐसा कभी काम नहीं किया है मैंने कि ये फिल्म तो सक्सेस ही होगा, अरे ये फिल्म तो बकवास है, इसमें क्या काम करने का, ये सोच के मैं कभी काम नहीं करता हूँ। और इतना भी दुखी नहीं होता हूँ या इतना भी खुश नहीं होता हूँ इन दोनों चीज़ों से। तो बिकॉज़ यू हैव टू लाइक काइंड ऑफ श्रग योर सेल्फ एंड गेट बैक टू द शूट द नेक्स्ट डे, नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट सक्सेस और फेलियर, बिकॉज़ आपका कैटेगरी एक एक्टर के तौर पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पिछले फिल्म ने जो है अचानक मैं से 3 लाख रुपए लेता हूँ पर डे, तो मेरी एक फिल्म हिट हो गई तो मैं उसको 30 लाख रुपए पर डे कर दूंगा, यू नो। तो मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ, ना ही कुछ फेलियर हो गया तो 3 लाख से मैं 30,000 रुपये आ गया, ऐसी वाली बात नहीं है, यू नो। सो मैं अपना काम करता हूँ, शिद्दत से काम करता हूँ, दिल से काम करता हूँ, और सक्सेस खुशी देती है, फेलियर थोड़ा आपको दुखी करता है, लेकिन इन चीज़ों को आपको ज़्यादा मायने नहीं देना चाहिए। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे अभी आने वाले हैं, इसके बाद में भी एक फिल्म है देसी बम जो हम लोगों ने लखनऊ में शूटिंग किया, तारिक खान इसके राइटर डायरेक्टर हैं। और अभी मैं मलयालम में अभी बस 3-4 दिन पहले एक फिल्म शूट करके आया मैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। एक राइटर डायरेक्टर हैं जो एडिटर हैं डॉन मैक्स करके, उनकी फिल्म है मलयालम में, इट्स कॉल्ड पत्त कल्पनगर, बट इन इंग्लिश इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज 10 कमांडमेंट्स। एंड देन एक फिल्म है लव करके, जो मैं हूँ, शिल्पा शुक्ला हैं, चित्रा श्री रावत हैं,
और मेरे दोस्त जो अभी गुजर गए हैं राजेश विवेक, उनके साथ एक फिल्म है तो वो भी रिलीज़ होने वाली है, तो उनके सब काम हो रहा है। और बहुत ही एकदम ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आ जाए, ताकि आपके पास जो है थोड़ा आप लोगों से थोड़ा सा और बात करने का मौका मिले मुझे। कि ये फिल्म भी मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेशल लोग जुड़े हुए हैं, यू नो, बहुत सारे ऐसे लोग जो पहली बार फिल्म में काम कर रहे हैं, और सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, सबके अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, और इसमें मेरा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार है, और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि ये जब फिल्म आए तो यू नो उनको मेरा काम अच्छा लगेगा तो चार लोग और आएंगे देखने के लिए, उससे जो है उनका भी काम एक्सपोज होएगा, यू नो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि अगर आप एक बार थिएटर में आएंगे तो आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। बस ये हमारे फिल्म में बहुत ज़्यादा सुपरस्टार पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी से बता सकता हूँ कि आप अगर आप थिएटर में आएंगे तो आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, और चार लोगों को आपको बोलने में शर्म नहीं आएगी।